सो दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं कि 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष पर एक पताका दंड लगा है। मंदिर के आधार से 16 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दंड पताका दंड द्वारा अंतरित कोण की स्पर्श त्रिज्या 1/8 है, तो पताका दंड की लंबाई 10 मीटर के द्वितीय स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हमको एक चित्र बनाना होगा। चित्र बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं भैया। तो पहले तो मंदिर आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, और ज़मीन ये रहेगी, मान लेते हैं 16 ये हो गया और मंदिर कुछ ऐसा हो गया। देखिए मंदिर इतना ऊंचा रहेगा और वहाँ पे ये इसको पताका, मतलब जहाँ पे झंडा लगता है वो वाली बात हो जाएगी। ये हिस्सा हो गया मंदिर का, ये हो गया पताका, पताका दंड यानी जिसमें झंडा लगाया जाएगा। अब यहाँ पे कोण जो अंतरित करता है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक कोई कोण ऐसा रहेगा, कौन सा कोण है कुछ नहीं पता है, और यहाँ पे आ जाएंगे। क्या कर सकते हैं कि मंदिर की ऊंचाई 8 तो दी गई है, यहाँ पे हमको 16 दिया गया है और यही वाला हमको नहीं पता है, इसको एच ज्ञात करना है। अब चीज़ों को थोड़ा सा इसमें भर लेते हैं। तो जो भरने वाली चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे हमने ए बी सी डी लिखा है, हमने यहाँ पे थीटा और फाई को चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर हम थीटा लिख चाहते थे और यहाँ पर फाई लिखना चाहते थे। और यहाँ पर पताका दंड की ऊँचाई जो है सी डी बराबर एच मान ली है और मंदिर की ऊँचाई जो बी सी 8 है वो लिख लिया है। मंदिर के पादबिंद से ए की दूरी जो है ए बी बराबर 16 मीटर है वो लिख लिया है। मंदिर के बिंदु ए से मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो थीटा है यहाँ पे लिख लिया। दंड पताका दंड द्वारा ए पर अंतरित कोण जो फाई यहाँ पे बनता है वो लिख लिया है। अब यहाँ पे स्पर्शज्या 1/8 का जो मतलब होता है वो लिख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इस चीज़ को फाई माना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे टेन फाई की वैल्यू मिल गई है 1/8, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब जब ये मान लिया तो यहाँ पे अर्थात करके ये लिखना पड़ेगा, अर्थात, ठीक है, 10 फाई बराबर 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में हम 10 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे 10 थीटा, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी हो जाएगा। और 10 थीटा का मान, मतलब यहाँ पे कोई थीटा उठा है नहीं, ए बी सी है 8, नीचे है 16, 8 कमा 8 दुनिया 16, और 10 थीटा में देखा भैया किसी का वैल्यू 1/2 होती नहीं है। तो बस हमको यहाँ पे 10 थीटा बराबर 1/2 जो लिखना है हम लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे 10 फाई बराबर 1/8 जो मिला है वो लिख ले रहे हैं। अब आ जाते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे थीटा और फाई दोनों जुड़ करके काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं कर पाएंगे, या फिर केवल फाई या फिर केवल थीटा काम नहीं करेगा। इसका यही तरीका होता है और तरीके में हम यहाँ पे आगेंगे। जो लिखना था त्रिभुज ए बी डी में हम लिखेंगे 10 थीटा + φ बराबर, लंब कितना है ये डी बी है और आधार ए बी है, तो वही लिखेंगे DB/AB। और यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद रखना होगा, 10A + B बराबर होता है 10A + 10B 1 - 10A 10B, ऐसा होता है फार्मूला। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा, हमारे पास हो जाएगा 10θ + 10φ/1 - 10θ 10φ। ये फार्मूला होता है, इसमें कोई सवाल ना करना कि कैसे होता है, क्यों होता है, कहे होता है, कहाँ से बताएंगे, फार्मूला होता है। ये जो बी डी है 8 + H लिखेंगे, तो वहाँ पे 8 + H डाल देते हैं, नीचे वाला अपना 16 था वो जानते ही हो। 10θ की वैल्यू इतनी मेहनत से 1/2 निकाली है और इसके फाई की वैल्यू 1/8 जो निकाली वही यहाँ पे रखनी है बिना किसी बदलाव के। तो यहाँ पे 1/2 लिखा प्लस 1/8 लिखा बटे, और यहाँ पे 1 - 1/2 गुणते 1/8 लिख लिया बराबर, यहाँ पे 8 + H था बटे 16 था, तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे अपना जोड़ने वाली बात आ जाती है, 8 और 2 का एलसीएम जो होता है वो 8 ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देख पाओगे कि यहाँ पे नीचे 8 दुनिया 16 होने की संभावना पूरी पूरी है, तो इसमें 8 एलसीएम लेने के बजाय सीधे सीधे नीचे गुणा 8 1 = 8, 8 दुनिया 16, 8 1 = 8, 2 1 = 2 ऐसा कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। इधर की ओर आते हैं, मैं आपको समझाना चाहता था कि भाई बटे के निशान में ये वाला है, 8 और 2 का गुणा कर दिया 8 दुनिया 16 हो गया है, और ऊपर देखें 8 1 = 8 इधर, 2 1 = 2 इधर, तो ये 8 + 2 हो रहा है, लिख लिया। नीचे वाले में आ जाएंगे, ये 1 - 1/8 दुनिया 16 हो रहा है, यानी 1 - 1/8 दुनिया 16 हो रहा था बराबर, यहाँ पे 8 + H जो है वो पड़ा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें 8 2 10 हो रहा है, 10/16 हो रहा है पूरे के बटे, 16 1 = 16 - 1 = 15, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, 16 1 = 16 - 1 = 15/16 हो रहा है बराबर 8 + H/16 हो रहा है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट काटना चाहता हूँ, उलट के लिख करके काटना चाह अच्छा काट लो भैया, ये 10/16 है गुणते 16/15 कर लो बराबर, ये 8 + H/16 कर लो भैया, 16 से 16 कैंसिल कर लो, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 2 10 और बस हो गया भाई। अब तिरछा गुणा करना है, यहाँ पे 2/3 मिला है, यहाँ पे 8 + H/16 मिला है, 16 2 32 हो रहा है, और इस 2 का 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24 24 + 3H हो रहा है, 24 इधर जाके घट जाएगा, 12 में से 4 गए 8 और 2 में से 2 गए
खत्म। तो तीन मतलब डायरेक्ट घटा रहे हैं क्योंकि अपने पास जगह कम है, तो 3h मिल रहा है। h बराबर क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 3 से इसको भाग कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, कितना बचेगा भैया 3 से भाग कर लेते हैं, 3 2 6 कितना बचा 2.0, 3 6 18, फिर 3 6 18 बार बार आता जाएगा। तो ऐसे में मीटर इतना कह सकते हो भैया, ये h पताका दंड की ऊंचाई 2.66 मीटर हो गई। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।